नमस्कार दोस्तों, मार्केट प्रेडिक्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे बजाज फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के बारे में। 7,366 रुपये का शेयर है। और दोस्तों यहाँ पे क्वार्टर फोर की डेट जो है यहाँ पे आ चुकी है। और दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे शेयर के फंडामेंटल को लेके और लॉन्ग टर्म में हमारे लिए क्या टारगेट्स हो सकता है, शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट्स है इस क्वार्टर फोर के नतीजे के अनुसार। तो यहाँ पे वीडियो को जरूर पूरा देखिए, चार्ट पैटर्न के थ्रू भी लेवल्स को समझेंगे, साथ ही यहाँ पे लॉन्ग टर्म की सिचुएशंस आप रख सकते हैं या नहीं वो तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे। नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आप एक लॉन्ग टर्म की सिचुएशन रख सकते हैं जहाँ पे मार्केट नेगेटिव में हो। अभी आपके लिए मार्केट बुलिश है तो एक लॉन्ग टर्म की सिचुएशंस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। 8,050 के आसपास शेयर एक अच्छी हाई पकड़े हुए हैं, जो कि आप देखें तो लेवल 7,366 के हैं। और आप देखें डे की परफॉर्मेंस के हिसाब से कि नॉर्मली देखने को मिल रहा है, नेचुरलिटी है। शॉर्ट टर्म में अगर आप बाइंग करते हैं फाइनेंशियल ट्रेड, टेक्निकली तौर पे एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है शेयर के अंदर, और साथ ही लॉन्ग टर्म के अंदर भी यहाँ पे क्वालिटी और वैल्यूशन को लेकर पॉजिटिविटी है। तो चार्ट पढ़ने के तरफ सब हिसाब से हम बात करेंगे लास्ट में। और बात करूँ यहाँ पे क्वार्टर फोर के जो नतीजे हैं दोस्तों, वो यहाँ पे 26 अप्रैल को आने वाले हैं। तो 26 अप्रैल को आप लिख के लिख लीजिए तो यहाँ पे क्या टारगेट्स आपके होने वाले हैं, आप कौन से लेवल पर बाइंग करना चाहते हैं, जो कि मैं आपको चार्ट पैटर्न के थ्रू समझाने वाला हूँ। क्वालिटी के अंदर आप इस कंपनी को देखें, बजाज फाइनेंस को, तो क्वालिटी के अंदर एक्सीलेंट देखने को मिल रही है, जो कि आप देखें लार्जेस्ट कंपनी है फाइनेंस और NBFC सेक्टर के अंदर। तो इसी को लेकर आप एक पॉजिटिव वे में देखने को मिल सकती है आपको कंपनी। वैल्यूशन आप देखें वेरी एक्सपेंसिव है, साथ ही फाइनेंशियल ट्रेड वेरी पॉजिटिव है। इसको लेकर लॉन्ग टर्म की राय मैं हमेशा देता हूँ कि आप रख सकते हैं आपके हिसाब से, लेकिन अभी आपके लिए लॉन्ग टर्म की सिचुएशन के लिए अभी टाइम नहीं है। जो कि आप यहाँ पे बात करूँ थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स या फिर बात करूँ नेगेटिव मार्केट के साथ अगर बाइंग करें शेयर को भी, तो एक अच्छी बाइंग आपके लिए हो सकती है, लेकिन अभी आपके लिए बुलिश मार्केट में लॉन्ग टर्म की बाइंग आपके लिए भारी पड़ सकती है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म भी बाइंग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न के लेवल्स को अच्छे से क्लियर करेंगे आपके लिए। क्वार्टरली आप देखें 84% के 85% के हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ईयरली देखें 70% के हिसाब से ग्रोथ देखने को मिल रही है। क्वार्टरली और ईयरली काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 1 ईयर के रिटर्न आप देखिए 46% के रिटर्न है, और इंडस्ट्री भी NBFC फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की है। मार्केट कैप 4,41,000 करोड़ का है। सो यहाँ पे PE भी 7 पॉइंट के साथ है, डिविडेंड 0.14% का, प्राइस बुक वैल्यू 11% की और 11 पॉइंट के साथ है। जो कि दोस्तों बात करें शेयर होल्डर पैटर्न की, दिसंबर 21 सितंबर 21 तक का प्रमोटर होल्डिंग्स आप देखें 56%, जो कि काफ़ी अच्छा भरोसा यहाँ पे प्रमोटर का रह रहा है। तो इस भरोसे के साथ आप देख सकते हैं FIs की बात करें 22%, म्यूचुअल फंड 7%, इंश्योरेंस कंपनी 1%, DISP यहाँ पे 1.7%, पब्लिक के अंदर 11%। तो ये सारा पार्टिसिपेट आपको देखने को मिल रहा है, और ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप लॉन्ग टर्म में भी विश्वास के साथ रह सकते हैं इस कंपनी में, बिकॉज यहाँ पे सभी का पार्टिसिपेट काफ़ी अच्छा है और सभी ने काफ़ी अच्छा भरोसा जताया है इस कंपनी पर। तो ये लेकर अगर बात करें यहाँ पे चार्ट पैटर्न के लेवल्स, तो आप समझ सकते हैं आराम से एक अच्छे लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। जो कि आप देखें तो ये अभी के लेवल्स है, और 26 अप्रैल जो कि क्वार्टर फोर की डेट है, उससे पहले ही शेयर का प्राइस आप देखें तो 7,500 के टारगेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। 7,500 के टारगेट्स को ये ऊपर निकल सकता है क्वार्टर फोर से पहले, 26 अप्रैल से पहले। तो आपके लिए जो बाइंग रहने वाली है वो 7,300 के लेवल्स पर रहेगी, थोड़ी पेशेंस के लिए रहेगी, लेकिन आप यहाँ पर एक बाइंग रखिए। लगभग आप सेल कर सकते हैं इसको 25 या फिर आप बात करूं 22 अप्रैल तक भी, तो इस शेयर को लगभग 7,450 के लेवल्स पे सेल करें, आपको एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन यही कहूंगा कि थोड़ा पेशेंस रख के बाइंग कीजिए, जो कि आपको शेयर लगभग 7,300-7,250 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर कहूँगा 7,300 के लेवल्स अभी काफ़ी कंसोलिड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि 30 मार्च के आसपास देखे गए थे, और अभी भी आपको ये हाल ही के अंदर देखने को मिला 7,300 के आसपास, और ऑलरेडी ये बीच में 7,500 से भी ऊपर जा चुका है। तो आपके लिए लेवल्स है 7,300, अच्छी खासी बाइंग है, और शॉर्ट टर्म के है अंदर लास्ट 25 तारीख से पहले आपको सेल करना है। और अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव ही है मार्केट की न्यूज़ के साथ शेयर चल रहा है, तो लगभग 75 के आसपास भी सेल कर सकते हैं। लाइक और शेयर करें, वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी कुछ प्रॉफिटेबल नॉलेज वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी।